फ्रेंड्स, चाय पी लो। ओके, आज हम देख रहे हैं तुम मिले दिल खिले सॉन्ग का ट्यूटोरियल। गाने का स्केल है डी और फ्लूट हमने लिया है एफ का। जो डी हमें मिलेगा यहाँ पर ध पर है ना, लेकिन मैं सरगम इस सा के हिसाब से बता रहा हूँ। देखते हैं साइन से। राग भीम पलासी पर आधारित है जिसमें नी और ग कोमल यूज होता है, लेकिन हमने गाने का साथ शिफ्ट कर दिया है तो अभी हमें कोमल सुर लेने की कोई जरूरत नहीं है। फ्लूट की सर इस सा से हम सरगम देख रहे हैं है ना। ग ग ध प ध ग ग प ग प रे 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 सा रे ग रे सा प ध द सा सा प ध द सा। अब सा के बाद जो प आ रहे हम वो ध को लगते हुए तुरंत आएगा। सा र प प ध द सा। शुरू में ये लाइन में रे 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 सा रे ग रे इस तरह से रे 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 सा रे ग रे सा प ध द सा, और प जो है ध के टच से लगते हुए आता है। और आगे कई जगह पर रे 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 सा रे प ग रे सा ध प ध सा सा प ध द सा, ये तो सेम है सा प ध द सा, लेकिन जो डिफरेंस है वो रे 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 सा रे ग रे ये जो पार्ट है वहां पर रे 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 सा रे प ग रे इतना चेंज है। एक्चुअली अलग अलग वेरिएशन है तो उस हिसाब से बजा सकते हैं ना। अब इसका क्रॉस द सा ग ग ग ग ग ग। अब जो ग ग ग ग ग ग एक ही नोट है इसलिए टंगिंग का यूज करेंगे जो हर ग सेपरेटली दिख सके। द सा ग 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 प ग प ग रे सा। नेक्स्ट लाइन द सा ग 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 प ग प ग प। आगे की क्रॉस ग प धनी नी नी धनी नी नी निसा सा नी ध प ग ग रे निसा सा नी ध प ग ग रे। फिर से साइन सेम। इसका जो फ्लूट म्यूजिक पार्ट है वो ग सा ध ग ध। अब लास्ट का जो ध है वो प तक बेंड होता है। एक मिनट है ग सा ध ग ध प प ग रे रे सा। फिर से नेक्स्ट लाइन से ग ग सा ध ग ध प ध सा है ना। ये दो लाइन फिर से रिपीट, लेकिन जो सेकंड वाली लाइन रिपीट होगी वहां पर चेंज रहेगा। ये सेम हो गया ग सा ध ग ध प ग रे रे सा। ये भी सेम हो गया ग सा ध ग ध प सा, लेकिन सा तक जाते हुए ध को टच करते हुए जाएंगे प सा। प सा रे ग हायर ऑक्टेव में, लेकिन टच देते हुए प
इस तरह से। अब चलते हैं अंतरे पर। तीव्र मध्यम मतलब राग के हिसाब से शुद्ध धैवत हो गया है। नी धा नी धा प धनी धा प म ग ग म म म म म म। अब ये म म म जो है एक ही नोट है, लेकिन इसको टंगिंग और फिंगर के टच के सहारे दिखाना है। म म म म म ग का टच और आगे टंगी ग म म म म म ग म म म ग म म ग म म प ध नि नि ग ग म म म म म ग म म प ध नि नि ग। फिर से सेम लाइन रिपीट। नी धा नी नी धा प धनी धा प म ग ग म म म म ग म म म म प ध नी नी ग। स ग प ग प ग स नी स ग प ग प ग स स ग प ग प ग रे स नी। अभी ग रे स नी प्रोमिनेंट नहीं बजेगा, एक मींड में उसको लपेटते हुए छुपाते हुए बजेगा। देखिए लेकिन सुर प्रोमिनेंट नहीं दिखेगा इस तरह से, है ना। स ग प ग प ग रे स नी नी रे प प। फिर से ये दो लाइन सेम। स ग प ग प ग रे स नी रे प प नी रे प प। फिर से ये दो लाइन सेम हो जाएगा। स ग प ग प ग रे स नी रे प प। अब इसका जो क्रॉस है वो सेम जो साइन का क्रॉस था उस तरह से ग प धनी नी नी धनी नी नी जो हमने क्रॉस देखा साइन के बाद सेम उस तरह से आ जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, और जो भी नए मेहमान किसी भी तरह से इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।